हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस पोस्ट के ऊपर कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका भी ड्रीम है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करके आपको सर्व करना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि कितना सीट आया है, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एग्जाम की पैटर्न, फिजिकल, सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ में पुलिस कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है। बम्पर नंबर ऑफ सीट पे वैकेंसी है 5,967 सीट्स, मतलब 6,000 के अप्रॉक्स सीट्स पे वैकेंसी है। बाद में इस वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर बात करें कि आपका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, तो आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 15th of Feb 2024 रहने वाला है। आपको 15th of Feb का वेट नहीं करना है। 1 जनवरी से जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है, आप अप्लाई कर देना, क्योंकि बाद में सर्वर इशू होती है जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे जान लेते हैं कि जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें फ़ी क्या लगेगा। जनरल ओबीसी से लिया जाएगा 200 रुपीज़, वहीं पर एससी एसटी से 125 रुपीज़ फॉर्म की फ़ी ली जाएगी। अब चर्चा करेंगे हम लोग एज की लिमिट पे कि एज लिमिट आपका कब से काउंट होगा। तो योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जनवरी 2023, मतलब 1 जनवरी 2023 के अनुसार मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रहेगा, वो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 1995 टू 1 जनवरी 2005, मतलब 1 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच जिन भी कैंडिडेट का बर्थ है, वो सब एलिजिबल रहने वाले हैं। रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो ओबीसी को मिलता है 3 इयर्स के लिए, एससी एसटी को मिलेगा 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, 10th पास आउट कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने 10th पास आउट कर रखा है, डजंट मैटर कि क्या परसेंटेज है, आप एलिजिबल रहने वाले हो। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी में आपको हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर की पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड रहेगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका शारीरिक जो होता है ना, आपका माप लिया जाएगा कि हाइट क्या है, चेस्ट क्या है। उसके बाद पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगी, जिसमें आपको रनिंग होगा। तो टोटल अगर पीएसटी एंड पीईटी देखें तो दोनों मिला के 100 मार्क्स का होगा। लास्टली होगा आपका रिटन एग्जाम 100 मार्क्स के लिए, ऑफलाइन होगा पेन एंड पेपर मोड पे। चलिए अभी हम लोग आगे देख लेते हैं कि आपका सबसे पहले पीएसटी होगा तो उसका क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले हाइट की मेजरमेंट होगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए एसटी का है 158 सेंटीमीटर, अदर कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए हाइट है मिनिमम 158 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स एसटी का 76 to 81 सेंटीमीटर, अदर्स कैंडिडेट जो भी रहेंगे 81 to 86 सेंटीमीटर उनका चेस्ट रिक्वायर्ड है। आई होप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद पीईटी होगा, जिसमें रनिंग मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर एंड 800 मीटर की होगी, फीमेल्स के लिए सिंपली 800 मीटर की रनिंग होगी। ड्राइवर एंड ट्रेड पोस्ट के लिए मेल का 1500 मीटर, फीमेल का 800 मीटर। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी आपने समझ लिया। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होने वाली है। आपका जो पेपर होगा फ्रेंड्स, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर है। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अगर किसी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, आप कंफर्म नहीं हो, फिर भी आप टिक लगा सकते हो, क्योंकि वो गलत है तो गलत होगा, उसका कोई मार्क्स वगैरह डिडक्ट नहीं किया जाएगा बाद में।
चलिए सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, टाइम 2 घंटे का रहेगा। सो आई होप कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो गई होगी। रही बात की एग्जाम की सेंटर कहाँ होने वाली है, तो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा ना फ्रेंड्स, वो छत्तीसगढ़ के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा एग्जामिनेशन। जैसा आपको बताया कि ऑफलाइन पेपर है, पेन एंड पेपर मोड पे है, तो वहीं पे जाके आपको देना होगा। आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करोगे, चाहे आप यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, कहीं से भी अप्लाई करते हो, आपको वहाँ जाके एग्जाम देना होगा छत्तीसगढ़ में। सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको छत्तीसगढ़ के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सर्व करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं सैलरी भी आपको बता देती हूँ। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 19,500 रुपीज एंड आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट आपकी सैलरी 62,000 रुपीज पर मंथ की हो जाती है। सो आई होप कि आप इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर लोगे, ताकि बहुत जल्द पेपर भी कंडक्ट कराया जाएगा तो आपका एक रिजल्ट आए उसमें। ऐसी तैयारी रखो आप, और आई होप जो मैंने आपको सब कुछ बताया है उसमें आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कुछ क्वेरीज वगैरह हो, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आके पूछना। अदरवाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर देना। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पर भी जाके आप फॉलो कर लो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि सारी फ्रेश गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।